मकर संक्रांति का पर्व बुधवार को श्रद्धा व आस्था के साथ मनाया गया। रामघाट पर स्नान के लिए चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई थी। क्षिप्रा में नर्मदा का जल आने से दो पुण्य सलिला के जल में स्नान करने का लाभ भी श्रद्धालु को प्राप्त हुआ। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के कारण शहर में अधिक भीड़भाड़ भी रही। मकर संक्रांति पर्व पर पवित्र नदी में स्नान का अधिक महत्व होने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामघाट पहुंचे। वहीं दान का विशेष महत्व होने से कई स्थानों पर भिक्षुकों को दान भी दिया गया, गायों को चारा खिलाया गया। पर्व स्नान का लाभ लेने शहर आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा देव स्थलों पर दर्शन पूजन भी किए गए। शहर के विभिन्न मंदिरों में आकर्षक सजावट व श्रृंगार भी हुए। जो है मकर संक्रांति का पर्व है, इसलिए रामघाट के ऊपर धर्मप्राण जनता स्नान दान और आज तिल दान खिचड़ी दान का महत्व है, इसलिए रामघाट पर धर्मप्राण जनता स्नान का लाभ ले रही है, वो दान धर्म का लाभ ले रही है। आज जो है 7:11 से 9:13 तक का वित्तीपात का योग भी है, इसलिए 9:13 के बाद विशेष महत्व रहेगा आज दान धर्म का। माँ शिप्रा तैराग दल द्वारा निष्भाव से सेवाएं दी जा रही है। आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है, उस पर्व पर देखते हुए काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, उन्हीं को देखते हुए सुविधाएं दी जा रही है, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। माँ शिप्रा तैराग दल सचिव संतोष सोलंकी। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उज्जैन से 5 लाख लड्डू भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद तत्काल उज्जैन प्रशासन हरकत में आया और महाकाल मंदिर समिति की लड्डू बनाने की इकाई पर तेजी से काम शुरू हो गया। इस समय सोमवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद चिंतामण क्षेत्र स्थित लड्डू यूनिट पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री ने लड्डू बनाए, इसके साथ ही उन्हें पैकेट में पैक भी किया। मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा में कहा कि 4 लाख लड्डू अब तक बन चुके हैं, पूरे 5 लाख बनाकर 21 जनवरी तक अयोध्या पहुंचा दिए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन का अयोध्या से गहरा नाता है। 2000 साल पहले उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने अयोध्या में राम मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। आज फिर पुराने संबंधों को जीवित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 जनवरी को चित्रकूट में भव्य आयोजन होगा। 22 जनवरी को प्रदेश में ड्राई डे भी रखा गया है। इस दिन शराब भांग सहित सभी प्रकार के नशे की सामग्रियों की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। बता दें कि 5 लाख लड्डुओं के लिए करीब 8 टन घी 8 टन बेसन लगाया गया। लड्डुओं को सिंगल पैकेट में पैक किया जा रहा है। 16 जनवरी तक यह कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। लड्डू बनाने के इस काम में मंदिर समिति के कर्मचारियों के अलावा अन्य 100 कर्मचारियों को भी लगाया गया है। राजस्थान विधानसभा के सदस्य बालकनाथ योगी ने अपने उज्जैन प्रवास के दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर श्री महाकालेश्वर भगवान का पूजन अभिषेक किया। इस दौरान श्री पीर योगी रामनाथ महाराज गादीपति भर्तरी गुफा भी पूजन में सम्मिलित हुए। इस दौरान बाबा बालकनाथ, उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया, भर्तरी गुफा महंत रामनाथ जी महाराज महाकाल मंदिर में साफ सफाई करते स्वच्छता का संदेश देते हुए भी नजर आए। पूजन पुरोहित नवनीत शर्मा, रूपम शर्मा ने संपन्न करवाया। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से समिति सदस्य राजेंद्र शर्मा गुरु, उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया द्वारा महंत श्री बालकनाथ जी योगी का स्वागत व सम्मान किया गया। आराम आराम।
टीम इंडिया के खिलाड़ी महाकाल के शरण में रवि बिश्नोई, तिलक वर्मा, वॉशिंगटन सुंदर एवं जितेश शर्मा भस्मारती में हुए शामिल। इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने सोमवार सुबह महाकाल के दर्शन किए। तड़के 2 बजे क्रिकेटर रवि बिश्नोई, तिलक वर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा महाकाल मंदिर पहुंचे। सभी ने नदी हॉल में बैठकर भगवान महाकाल की आरती की।